द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और शानदार पोस्ट में, जिसमें हम उन 7 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमीर रिच बना सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में अमीरी के उन 7 सिद्धांतों को बताया गया है, जिसका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यह सिद्धांत पहले जितने इफेक्टिव थे, आज भी उतने ही प्रभावी है। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब की समरी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है, जिनसे अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उनके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज्यादा खुशनसीब हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सके और जो भी उपलब्ध है वही खिला सके तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे, हमने एक शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे, तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम सबसे ज्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। अरकद के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वह अमीर बने थे, जो इस प्रकार है। नियम 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए, इससे हमारा पर्स जल्दी ही मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज में अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डाले और हर शाम 9 अंडे निकाले तो क्या होगा, एक समय बाद यह भर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। नियम 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं, जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्च भी शामिल है जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकद ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे, बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं,
लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। नियम 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अरकत बताते हैं कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। नियम 5, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा अरकद ने 5वें नियम में बताया। अरकद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है जिसे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नियम 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अरकद ने अपने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ न रहे। यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने का चांस हो। नियम 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाए। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में अरकद बताते हैं कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपको क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्चे को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहां और कैसे निवेश करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में आप दौलत बनाने के उन नियमों को सीखेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते हैं। यदि आप भी अमीर बनने और खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। कंक्लूजन, इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के नियमों को शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है। इस बुक के बारे में मेरा अनुभव यही है कि यदि आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए नियमों को समझिए और उस पर अमल कीजिए। इससे आप निश्चित ही दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।